वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय सेनाओं को हर मुकाबले के लिए तैयार बताया है। Security forces are capable of dealing with any situation. After Uri, this is another attack on our territory, and that also after surgical strikes we conducted on Pakistan. हाँ तो ऐसे नहीं हमारा security forces को कम मत आती है। Sir, one BSF jawan has been martyred. This is unfortunate, but our forces are capable of doing everything. Sir, how army is thwarting this attack? Sir, how army is thwarting this attack? अभी देखो, नथिंग इज वेरी क्लियर एट दिस स्टेज, सो लेट अस नॉट रश इनटू एनी इंसिडेंट एंड मेक स्टेटमेंट लाइक दैट। दैट्स व्हाट वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे एक जवान शहीद हो गए बीएसएफ का, बहुत ही ये दुख की बात है, लेकिन हमारे फोर्सेस का मनोबल में कमी नहीं आएगी। वही तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 18 सितंबर को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर हमला किया था। हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई के हमले में शामिल चारों आतंकियों को मार गिराया गया। उरी हमले के 10 दिन बाद शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। आतंकियों के 7 लॉन्च पैड तबाह करते हुए करीब 50 आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट में पाक आतंकियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाने का दुस्साहस किया, जिससे लेकिन जवानों की मुस्तैदी थी कि इसे नाकाम कर दिया गया।